Welcome to students. Good afternoon. How are you? We hope that you are so much fine with you and your friends, with your family members, and you are studying properly and you are watching regularly our videos of class 10, chapter number 12, Electricity Science. Before videos, we have studied about the electric power. हमने electric power के बारे में पढ़ा था और हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी किया था, जिसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बिल्कुल पूछिएगा, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, इतनी अच्छी तरीके से समझाया जाता है, ठीक है। तो अब हम जो है इस क्वेश्चन को हम करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 6 को ले रहे हैं। उसी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस जो है हमने आपके लिए भी छोड़े हैं, आप उसको करिएगा, बेहतर तरीके से कर सकते हो, आपको समझ में आ रहा है। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार लेते हैं और इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर दिस। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो आपको क्या फाइंड करनी है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ, और दूसरी बात रेजिस्टिविटी दे रखी है। तो इसको रेजिस्टिविटी को देखकर और लेंथ को फाइंड करना है, इसका मतलब हमारा जो है कौन सा रिलेशन यूज हो रहा है, रेजिस्टिविटी वाला हो रहा है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। सो गिवन, सबसे पहले तो हम गिवन आइटम रख लेते हैं, यहाँ पर जो भी हमारे पास गिवन है वो लिखते हैं। सबसे पहले तो हमें रेजिस्टिविटी दे रखा है, रेजिस्टिविटी यानी कि रो, रो की वैल्यू क्या है, 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। सेकंड थिंग हमें गिवन है डायमीटर, डायमीटर हमें गिवन है 0.5 mm, ये मीटर के अंदर है, ठीक है ना। और जो है अपनों को जो डायमीटर को मिलीमीटर में दे रखा है उसको हम चेंज कर लेते हैं, मिलीमीटर यानी कि क्या होता है 0.5 × 10⁻³ मीटर, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 5 × 10⁻⁴ मीटर, 5 × 10⁻⁴ मीटर। क्यों किया है, तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन करने की बजाय हम यहाँ पर भी कुछ ऐसे चेंजेस कर लें जो हमारे लिए कन्वीनियंट हो कैलकुलेशन के लिए, तो हमने यहाँ पर ये चीज रखी। तो हमारा डायमीटर हो गया 5 × 10⁻⁴ मीटर। रेडियस, रेडियस क्या होगा, अपॉन टू, दैट इट मींस 2.5 × 10⁻⁴ मीटर, इसको हम अपॉन टू करेंगे, अपॉन टू करेंगे तो 5 अपॉन टू क्या हो गया 2.5 × 10⁻⁴ मीटर। फाइंड हमें करना है, आपको करना है व्हाट विल बी द लेंथ, लेंथ बतानी है, लेंथ बतानी है, ठीक है। वी नो दैट, हम जानते हैं आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब इससे ये भी हम तो ये भी जानते हैं क्या, कि भी रो एल इक्वल टू आर ए, और हमें फाइंड करना क्या है, लेंथ फाइंड करनी है, दैट इट मींस लेंथ इक्वल टू व्हाट हो गया, आर ए अपॉन रो। वैल्यूज पुट करें, श्योर। अब हम एल हमें फाइंड करना है, एल यानी लेंथ, लेंथ एल इक्वल टू आर, आर क्या है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भी गिवन है 10 ओम, तो यहां पर अपन को रेजिस्टेंस भी रख लेना, ये 10 ओम रेजिस्टेंस भी हमें जो है वो गिवन है, यहां पर गिवन भी डाल देते हैं, यहां पर रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, ठीक है ना। आर रखते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय ए, एरिया पाई 3.14 इंटू आई आर स्क्वायर, रेडियस, रेडियस क्या है 2.5 × 10⁻⁴ का स्क्वायर, 2.5 × 10⁻⁴ का स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन क्या चीज आ गई, रो, रो गिवन है 1.6
1.6 × 10⁸. Are you getting my point? बिल्कुल इजी है, आप इस चीज को समझिएगा, लेकिन आप डरिएगा नहीं, आराम से हो जाएगा. 10 × 3.14, 2.5, 10 × 3.14 × 2.5, 6.25 × 10⁻¹ upon 1.6 × 10⁻¹. 10⁻¹ से 10⁻¹ कर दिया, रह गया हमारे पास 10 3.14, 6.25 upon 1.6. अब इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा लेंथ, ठीक है ना. अब इसको कैलकुलेट करने के बाद जो लेंथ आ रही है वो आ रही है 122.65. 122.65 मीटर. ये 0.65 कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम 3.14 ले रहे हैं या 22/7 ले रहे हैं. तो यहाँ पर कुछ चेंज हो सकता है लास्ट डिजिट में, पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद, लास्ट डिजिट में चेंजेस नॉर्मल है, होते हैं, ठीक है ना. तो क्योंकि कैलकुलेशन के चेंजेस होते हैं तो हम हमारा जो आंसर लगभग यही आएगा, ठीक है ना. तो हमारी जो लेंथ आई इसने कहा कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम. सो दैट इज द लेंथ. एंड द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड हाउ मच डज द रेजिस्टेंस. कितना रेजिस्टेंस होगा अगर डायमीटर डबल हो जाएगा. If dia is double, it means diameter double हो जाएगा. मतलब क्या है diameter double होने का, मतलब है diameter कितना है अपना 0.5 mm, ठीक है ना. तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.5 mm, यानी 0.5 mm तो पहले था और डबल हो गया तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया. तो ये क्या हो गया 1 mm हो गया. 5 × 10 और ये पॉइंट हो गया 1 mm. 1 mm तो हम क्या लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ meter. 1 × m क्या है मिली, 10⁻³ meter. तो 1 × 10⁻³ meter ये तो हो गया डायमीटर. और इसका रेडियस क्या होगा. अब रेडियस क्या होता है, इसका हाफ, पहले रेडियस निकाला तो इस डायमीटर का हाफ निकाला. अब डायमीटर क्या है, ये है, तो रेडियस इसका हाफ, यानी कि क्या हो जाएगा 1/2 × 10⁻³ meter. ओके, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, वेरी गुड. सो दैट इज द रेडियस. अब हमें ये कह रहे हैं कि अगर डायमीटर डबल हो जाए तो, यानी डायमीटर डबल होने का मतलब है कि अगर रेडियस ये आ जाए तो फिर हमारे रेजिस्टेंस में क्या फर्क आएगा. सो रेजिस्टेंस आर, आर इक्वल टू क्या आएगी रेजिस्टेंस, आर की वैल्यू क्या आएगी रेजिस्टेंस, इसी जो रिलेशन से आर की वैल्यू क्या आएगी, रो एल अपॉन ए. तो हमारे पास हो जाएगा रो एल अपॉन ए, ठीक है. अब रो की वैल्यू रखो, एल की वैल्यू रखो. अब रो की वैल्यू जो है यहाँ पर इक्वल टू क्या जाएगा, रो की वैल्यू क्या है 1. रो 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 कहाँ पर आएगा 1.6 × 10⁻¹ और लेंथ आ रही है 122.65 अप्रॉक्स आ रही है. जितनी भी आपकी आ रही है वही रख देना, पॉइंट में कुछ फर्क होगा वो वहां पर रख देना, ठीक है ना. अपॉन ए, एरिया क्या हो जाएगा पाई, यानी 3.14 × r² r, यानी अब रेडियस क्या है ये है. तो 1/2 × 10⁻¹² ओके. बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको. अगर डर लग रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है, आप उसको टुकड़ों में बांटो, इस क्वेश्चन को टुकड़ों में बांटो, टुकड़ों में करके देखो, पीसेस में करके देखो. सबसे पहले क्या गिवन है वो उठाओ आप यहाँ पर, क्या हमें पूछा है उसका रिलेशन पूछो कि ये कैसे आएगा, कौन सा फॉर्मूले से आएगा, वो फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना, और कुछ कैलकुलेशंस करेंगे और बिल्कुल ईजीली आ जाएगा.
अब यहां पर जो है तो क्या हो जाएगा माइनस टू। तो इसके कैलकुलेशन से हमें क्या मिलेगा, टेन की पावर माइनस टू। उसके बाद आपको इन दोनों को इसको मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड करना है। तो आप इसको राउंडिंग कर लीजिएगा और आंसर इसका अप्रॉक्स जो आ रहा है वो ये आ रहा है 249 into 10 into -2। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं 2.49 into, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्या चीज निकाल लेते हैं, रेजिस्टेंस यानी ओम, 2.49 ओम। अब 2.49 ओम या फिर 2.5 ओम भी हम लिख सकते हैं, ये हमारा लास्ट और सही करेक्ट आंसर आएगा, 2.49 लिखो या 2.5 ओम लिखो। ओके, और दैट इज द रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस होगा कब, होगा जब हमारा डायमीटर डबल हो जाएगा, यानी जो इसने पहले डायमीटर दे रखा है उसको हमने अगर डबल कर दिया तो फिर रेडियस भी निकालना पड़ेगा और उसकी वैल्यू को रखकर हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे कि रेजिस्टेंस क्या आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल ब्रीफली आपको मैंने बता दिया, इवन एक्सप्लेन में मैंने आपको बता दिया ब्रीफली, जबकि आपको कैलकुलेशन तो आपको ही करनी है। ठीक है ना, इसको कैलकुलेट करके देखना, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बिल्कुल बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये वाली जो वीडियोज है वो हमने अपने चैनल में भी डाल देंगे, सचदेवा क्लासेस के नाम से चैनल है, उस चैनल को भी देख लीजिएगा। उसमें क्या है कि सिर्फ रिलेटेड मेरे ही चैनल है तो फिर मेरी ही वीडियोस रहेंगी। इसलिए कुछ स्टूडेंट की प्रॉब्लम थी कि सर पहले वाले जो जब वीडियोस डाल रहे थे तो उसमें एक साथ सारे सब्जेक्ट की डल रही थी तो हमें उसमें सर्च करने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स ने कहा तो मैंने अपना चैनल बनाकर इसको पर्टिकुलर अपने चैनल में डाल दिया है। ठीक है ना, तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछिएगा। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चंस जो हैं वो अगले वीडियोस में करते हैं। टिल देन थैंक यू।